समय समय पर मोदी सरकार की नीतियों पर हमला करने वाले, उसकी आलोचना करने वाले, उस पर सवाल उठाने वाले पूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, राहुल के साथ कदम ताल करते हुए वो नजर आए, जिसके बाद चर्चा ये होने लगी कि क्या रघुराम राजन कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि इन सियासी बातों से अलग ये समझना भी और जानना भी जरूरी है कि आखिरकार रघुराम राजन अगर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हैं तो क्यों जुड़े हैं और इसके मायने क्या है। इस रिपोर्ट को देखिए। कन्याकुमारी से चलकर राजस्थान पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल हुए। इस दौरान वो राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते नजर आए। रघुराम राजन की यात्रा में शामिल होते ही एक और सुगबुगाहट होने लगी कि क्या रघुराम राजन कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। दरअसल रघुराम राजन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कई नीतियों पर सवाल उठाते आए हैं और इस बीच राहुल के साथ उनका नजर आना सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है। रघुराम राजन की यात्रा में शामिल होने की एक तस्वीर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, स्वतंत्रता लोकतंत्र का सार है और सद्भाव एक समृद्ध अर्थव्यवस्था की नींव। हम एकता के लिए और भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चल रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की बात, भारत जोड़ो के संकल्प के साथ पूर्व आरबीआई गवर्नर और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रघुराम राजन जी ने आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, एक मजबूत अर्थव्यवस्था विकास और कल्याण का संयोजन है। हमारी दृष्टि उस भारत को फिर से हासिल करने की है। हमें खुशी है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर और प्रमुख अर्थशास्त्री रघुराम राजन भविष्य के लिए एक एजेंडा बनाने के लिए हमारे प्रयास में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। वहीं रघुराम राजन की बात करें तो रघुराम राजन का जन्म 1963 में मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। रघुराम राजन एक तमिल परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता भारत सरकार में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे। रघुराम राजन ने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है। उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा रघुराम राजन ने एमआईटी से पीएचडी भी किया है। रघुराम राजन का करियर भी शानदार रहा है। रघुराम राजन 2003 से 2006 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत रहे। 2008 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रघुराम राजन को अपना अनपेड फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्त किया। इसी साल रघुराम राजन को योजना आयोग की एक आर्थिक सुधारों की उच्च स्तरीय कमेटी का प्रमुख बनाया गया। इस कमेटी ने रघुराम राजन की देखरेख में ही आर्थिक सुधारों से जुड़ी रिपोर्ट को पूरा किया। रघुराम राजन भारत के 23वें आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। आरबीआई में अपने कार्यकाल के दौरान रघुराम राजन बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के वाइस चेयरमैन भी रहे। रघुराम राजन ने 2013 में आरबीआई गवर्नर का पद संभाला था। उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2016 तक रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। बता दें कि 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आ गई, जिसके बाद रघुराम राजन मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे। राजन ने कई बार केंद्र सरकार की मॉनेटरी पॉलिसीज में सुधार की बात करते हुए पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए एक बार रघुराम राजन ने कहा था, मोदी सरकार उन्हीं की बात मानती है जो उनकी सरकार की वाह वाह करते हैं, उनकी नजर में बाकी सब गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनने से पहले रघुराम राजन को एक ऐसे अर्थशास्त्री के तौर पर जाना जाता था जिन्होंने 2008-09 की मंदी के बारे में सबसे पहले आगाह किया। वहीं गवर्नर पद से हटने के बाद रघुराम राजन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर भी रहे, जिसके बाद पिछले साल तमिलनाडु सरकार ने उन्हें अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया, जिसमें कई अन्य एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। फिलहाल एक बार फिर से रघुराम राजन चर्चाओं में हैं और उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि क्या सच में ऐसा होगा, ये वक्त के साथ पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।